हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो गाइस, इस प्रकार का वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रहा है इंस्टाग्राम रील्स पर। अगर आप भी बनाकर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दूँ तो आपका वीडियो वायरल हो सकता है। ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपको VN एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। VN एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर में मिल जाता है, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन ओपन करना है। गाइस, एप्लीकेशन ओपन होने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली प्लस आइकन क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। अब गाइस, यहां से आपको अपना एक वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। गाइस, आपको वीडियो को जिस प्रकार शूट करना है, जो साइड में दिखाई दे रहा होगा, सेम इसी एंगल से आपको वीडियो को शूट कर लेना है। और यहां सेलेक्ट करना है, एरो वाले आइकन क्लिक कर लेना है। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, यहां क्लिक करके ऑडियो साउंड बंद कर देना है अपने वीडियो का। यहां वीडियो के लास्ट में आना है, ब्लैक लेयर पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। इसके बाद में अपने वीडियो में फालतू पार्ट को स्प्लिट कर लेना है। मैं जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ, तो आप वो कर लें। अब आपको स्टार्टिंग में आना है, वीडियो में स्काई चेंज करने के लिए टैप टू एड स्टिकर वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो पर आना है। अब गाइस, यहां से आपको इसमें स्काई वाला वीडियो एडिट कर लेना है। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेना। वीडियो लेने के बाद में आपको उधर स्क्रॉल करना है या फिल पर क्लिक करके फिल कर लेना है। स्काई वाला वीडियो फिल करने के बाद में अपने वीडियो क्लिक करना है या डुप्लीकेट को क्लिक करके इसका डुप्लीकेट आपको रख लेना है। हमारा वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। वीडियो के सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, इधर स्क्रॉल करना है आपको या फॉरवर्ड पर क्लिक करना है। तो गाइज, यहाँ पर हमारे वीडियो का लेयर फॉरवर्ड हो चुका है, इस पर क्लिक करना है। और गाइज, आपको इसे स्टार्टिंग में सेट करना है, आगे की तरफ खींचते हुए कुछ इस प्रकार। तो वीडियो लेयर को स्टार्टिंग तक सेट करने के बाद में फिल पर क्लिक करना है फिर से, और इसे फिल कर लेना है। इसके बाद में आपको इधर स्क्रॉल करना है या क्रोमा पर क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ क्रोमा की मदद से आपको वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार, या इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करते हुए आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे वीडियो में बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, राइट पर क्लिक करना है। और यहाँ पर हमारे वीडियो का फर्स्ट स्टेप कम्प्लीट है। मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। अब गाइस, यहाँ लास्ट में आना है आपको, ब्लैक लेयर पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। यहाँ से आपको ये वाला वीडियो लेयर एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ एरो वाले आइकन क्लिक करना है, राइट पर क्लिक करना है, और यहाँ से ये लेयर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद में यहाँ सेव टू एल्बम क्लिक करना है। स्टार्टिंग से आपको प्लस वाला आइकन क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट को क्लिक करना है। और गाइस, यहाँ से आपको इसमें ये लिरिक्स वाला वीडियो एडिट कर लेना है। ये वीडियो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इसे डाउनलोड कर लेना। तो लिरिक्स वाला वीडियो एडिट करने के बाद में हमने जो भी वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसे भी सेलेक्ट कर लेना है। दोनों वीडियो सेलेक्ट करने के बाद में एरो वाले आइकन क्लिक करना है। थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, तो वेट कर लेना। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फर्स्ट वाले वीडियो क्लिक करना है, इधर स्क्रॉल करना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो क्लिक करना है, जिससे हमारा वीडियो ऑडियो बाहर निकल जाएगा। अब आपको यहाँ से वीडियो लेयर को थोड़ा जूम करना है। गाइस, ये फर्स्ट वाला वीडियो लेयर आपको 7.70 सेकंड पर स्प्लिट करना है, तो 7.70 सेकंड पर आना, स्प्लिट पर क्लिक करके स्प्लिट कर लेना। फर्स्ट वाला वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, फर्स्ट वाले वीडियो सेकंड वाले पार्ट पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना। हमारा वीडियो आ चुका है, अपने वीडियो क्लिक करना है, एफएक्स पर आना, वीडियो लेयर को स्टार्टिंग में लेना है। और गाइस, इसमें आपको कोई भी अपने हिसाब से एफएक्स ऐड कर लेना है। एफएक्स ऐड करने के बाद में राइट क्लिक करना है। अब गाइस, आपको वीडियो लेयर के एंड पोजीशन पर आना है, ब्लैक लेयर पर क्लिक करना है, डिलीट पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। तो चलिए, हमारा वीडियो कंप्लीट है। मैं थोड़ा प्ले करके दिखा देता हूँ। इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एरो वाला आइकन क्लिक करना है, और इसे भी एरो वाला पर यहाँ क्लिक करके इसे भी एक्सपोर्ट कर लेना है।